ऐड टू क्लास वो कंटेंट लाइब्रेरी Shreenivas, are you able to hear me? Hello? Shreenivas, are you able to hear me? लिंक श्रीनिवास, मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो आप या तो मुझे मेल कर दीजिएगा scalive4u पे, या चाहें तो आप चैट विंडो में लिख दें, जैसा आप कंफर्टेबल समझें. आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है हमारी लिस्ट में, सो प्लीज या तो आप मेल कर दें और या चैट विंडो में लिख दें. Okay, Shreenivas, I got that. 88. Okay, we'll wait for 5 minutes so that everyone joins. Okay, so let's start. A very good evening to you all on the second lecture of Java SE, that is Core Java. सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में अगर कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर? आप लोगों को स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं? कैन आई गेट ए येस फ्रॉम एवरीवन? अगर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं, नहीं मिली हैं तो आप प्लीज नो लिखें. ओके, फाइन फाइन फाइन. या शालू, गो अहेड. Yes, Shalu, what is your doubt? Yeah. What about memory allocation? Yeah. Compiler plays a major role, not in terms of allocation, but how many bytes will be needed. Yeah. And in deallocation, whenever the code is over, compiler generates an instruction for the operating system to deallocate the memory occupied by that function. या आई गॉट योर क्वेश्चन. आपका डाउट ये है कि टर्बो अनइंस्टॉल करने के बाद भी अगर प्रोग्राम रन हो रहा है तो कंपाइलर उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कंपाइलर तो हट चुका है. एम आई राइट? ओके, अब सुनिए, जब कंपाइलर EXE जनरेट करता है आपके प्रोग्राम की, तो आपके प्रोग्राम की EXE के ऊपर वो एक हेडर प्लेस करता है, राइट? जैसे आप लेटर के ऊपर एक हेडर देते हो या ईमेल के ऊपर एक टैगलाइन होती है कि ईमेल किसको भेजी जा रही है, ऐसे आपकी EXE के ऊपर वो एक हेडर जनरेट करता है. उस हेडर के अंदर वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस रखता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं कि उसे कब कितनी बाइट्स एलोकेट करनी है और किस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मेमोरी डीएलोकेट कर देनी है. तो कंपाइलर ओएस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जब वो फंक्शन बॉडी में एंटर करे तो इतनी बाइट्स एलोकेट करके चले, और जैसे ही फंक्शन बॉडी से बाहर आए वो मेमोरी डीएलोकेट हो जाए. ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर आपके प्रोग्राम की EXE के हेडर में लिखकर ओएस के पास भेजता है. जब ओएस इस EXE को पढ़ता है तो हेडर के अंदर उसके पास वो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मेमोरी एलोकेट करने में उसको फॉलो करने हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस भेजने का काम करता है कंपाइलर. सो इसके लिए टर्बो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि EXE के हेडर में वो इंस्ट्रक्शंस आ गए. ओके शाल, वेलकम. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले तो आज का एजेंडा, आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग जो आज हम कवर अप करेंगे दैट इज जावा के कौन कौन से एडिशंस मार्केट में अवेलेबल हैं. लाइक आप कौन सी जावा पढ़ रहे हैं, ये जावा पढ़ने के बाद और कौन कौन से जावा के एडिशंस आप सीख सकते हैं, एंड ऑल दैट. ओके, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. आप में से कुछ लोगों का मेल भी आया था, रिक्वेस्ट भी आई थी कि इंटरव्यू क्वेश्चन हमें अटैच करने चाहिए, तो उस पॉइंट को कवर करते हुए एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन जावा में आता है, JDK, JRE और JVM के बीच का डिफरेंस. आपने इन तीनों को इंडिविजुअली समझा है, अब एक साथ हम समझेंगे कि क्या रोल JDK का होता है, क्या JRE का होता है, क्या JVM का होता है. उसके बाद फिर कुछ क्विजेज होंगी जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं आपसे पूछूंगा. उसके बाद विल डिस्कस जावा को कैसे आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, क्या वो URL है जहां पे आपको जाना है, क्या क्या डाउनलोड करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे और आपको कौन सा डाउनलोड करना है. देन जावा इंस्टॉल कैसे होगी, इतना अगर कवरअप हो जाता है आज तो इतना, और अगर टाइम बचता है तो अगले 2 पॉइंट भी आज हम कवरअप करेंगे। जावा का फर्स्ट प्रोग्राम मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। लिखेंगे से मतलब उस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से आपको अपने सिस्टम पे टाइप करना है, और उस पूरे प्रोग्राम का ट्रेस राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन जो क्लास नाम के कीवर्ड से होगी टिल द क्लोजिंग ट्रेस ऑफ द कोड, प्रोग्राम के किस स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एडिशंस ऑफ जावा। व्हाट ऑल वर्जन्स ऑफ जावा आर अवेलेबल इन मार्केट, और कौन से वर्जन से अपन लोग क्या कर सकते हैं। चलिए तो एक बार फिर आप मुझे बताइए, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड करे हो, जावा लॉन्च कब हुई थी, व्हाट इज द लॉन्चिंग डेट ऑफ जावा। आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, जावा की लॉन्चिंग डेट, ओके, एंड व्हाट वाज द ईयर, 23 जनवरी, राइट, 1996। अब जब जावा 1996 में लॉन्च हुई थी तब जावा के कोई भी एडिशंस नहीं हुआ करते थे। सन ने जावा को सिर्फ जावा के नाम से लॉन्च करा था, लेकिन लॉन्च होने के साथ जावा इतनी पॉपुलर हुई, इतनी ज्यादा जावा की यूज बढ़ गई कि सन वालों को एम्प्लॉयर्स की तरफ से मेल्स आए, एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो लोग रिक्रूट करते थे, कि जब हम लोग जॉब एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है मेंशन करने में कि हमें कौन से कैलिबर का बंदा चाहिए, उसे क्या क्या कुछ आना चाहिए जावा में। हम खाली जावा लिखते हैं तो बंदा बेसिक जावा भी पढ़ के आता है अगर, तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, जबकि हमें जावा में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की नॉलेज चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए, मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, सन ने जावा के फिर 3 वर्जन्स निकाले। 1999 में जावा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। उस जमाने में इन 3 कैटेगरीज का नाम रखा गया J2SE, J2EE एंड J2ME। J2SE का फुल फॉर्म था जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE स्टैंड्स फॉर जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन एंड J2ME स्टूड फॉर जावा 2 माइक्रो एडिशन। बहुत से लोग इसमें गलतफहमी में एम को मोबाइल मान लेते हैं, ऑल्दो ये मोबाइल प्लेटफॉर्म है जावा का, बट द फुल फॉर्म डजंट स्टैंड फॉर मोबाइल, इट्स एक्चुअली माइक्रो एडिशन। सो J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन एंड J2ME जावा 2 माइक्रो एडिशन। ओके, 2 क्यों बोला सन ने इस नाम के अंदर, तो वो यही बताना चाहते थे कि उन्होंने जावा को डिवाइड कर दिया है, जावा के वर्जन्स बना दिए हैं। That is why the letter 2 was used. हालांकि बाद में लोग बहुत कंफ्यूज हुए कि ये 2 से क्या मतलब है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो सन ने 2006 के आते आते 2 हटा दिया, और तब से लेकर आज तक जो जावा के वर्जन्स मार्केट में हैं उनका अब नाम रख दिया गया है JSE, JEE एंड JME। आप भी जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखते होंगे स्लाइड्स में मैं पहले लिखता ही हूं कि आप JSE पढ़ रहे हैं, where JSE again it stands for Java Standard Edition, JEE Java Enterprise Edition and JME is Java Micro Edition. तो originally they were called as J2ME, J2SE, J2EE. उसके बाद इनमें से 2 हट गया and the name was left only JSE, JEE and JME. तीनों में major difference क्या है? तीनों अलग अलग applications develop करने के लिए use करे जाते हैं। जो आप JME में कर सकते हैं वो आप JEE में नहीं कर सकते हैं, जो आप JEE में कर सकते हैं वो आप JSE में नहीं कर सकते हैं, राइट right? तो आपको तीनों तरह के जावा में अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये 3 अलग अलग एडिशंस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब किससे हम क्या एडिशंस पर क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसका ओवरव्यू मैं आपको अगली स्लाइड में देता हूं। क्या कुछ आप JSE पढ़ के बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे JEE पढ़ के, और क्या सीख पाएंगे JME पढ़ के। सबसे पहले बात करते हैं JSE की। जैसा मैंने कहा, इट स्टैंड्स फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन, और JSE पढ़ने के बाद आप जावा के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ऊप्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल दैट, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टफ जो होता है वो सारा आपको JSE में मिलेगा। साथ में JSE के पास कई ऐसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं, सन ने JSE में कई ऐसी एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं जिसमें आप थोड़ी हाई एंड एप्लीकेशंस भी JSE में बना पाएंगे। जैसे आप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं वो JSE में आप बना सकते हैं, आप सिक्योरिटी लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड एल्गोरिदम्स बनाना चाहते हैं JSE में उसके लिए APIs हैं। डेटाबेस से बात करना JSE का एक बहुत पावरफुल फीचर है, जैसे JDBC के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आप कोई GUI एप्लीकेशंस अगर बनाना चाहते हैं, जैसे कैलकुलेटर्स हुए, MP3 प्लेयर्स हुए, सिंगल यूजर गेम्स हुए जो एक सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है और एक यूजर उन्हें प्ले कर रहा है, तो ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं बाय लर्निंग JSE। क्योंकि JSE में आप जावा के बेसिक्स पढ़ते हैं, जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इसलिए आपने सुना होगा कई लोग इसे कोर जावा के नाम से भी जानते हैं, जबकि ऑफिशियली सन ने इसको कभी कोर जावा नाम नहीं दिया। सन की तरफ से इसका जो नाम रखा गया था दैट इज JSE। तो आप भी जब अपने रेज्यूमेस बनाएं उस पर नाम जब मेंशन करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाम कोर जावा कभी ना यूज करें, always try to use JSE. सन ने कभी कोर जावा नाम यूज ही नहीं करा है. आप साइट पे जाएंगे आपको कभी कोर जावा नहीं मिलेगा. व्हाट यू विल फाइंड इज ऑलवेज JSE और जावा स्टैंडर्ड एडिशन. जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, क्योंकि इसको पढ़े बिना आप ना JEE जा सकते हैं ना JME की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इससे आगे की टेक्नोलॉजीज हैं. उनका जो बेस है वो JSE के बेस पर है. इसलिए बिफोर लर्निंग JSE यू कांट लर्न JEE और JME. तो अगर आपको लगता है कि मुझे सर मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करना है, तो आपको पहले JSE सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप JME पे जा सकते हैं. तो JSE वो बेस है जिसके ऊपर बाकी दोनों एडिशंस जावा के स्टैंड करते हैं, विच आर एंटरप्राइज एंड माइक्रो एडिशन. और जैसा मैंने कहा एप्लीकेशंस JSE में कौन सी बनेंगी, तो आप कैलकुलेटर्स, मीडिया प्लेयर्स, चैट एप्लीकेशंस, क्योंकि मैंने कहा JSE में आपको नेटवर्किंग की फैसिलिटी मिलती है. इस तरह की एप्लीकेशंस JSE सीखने के बाद आप बना सकते हैं, और इनमें से कुछ एक एप्लीकेशंस इस कोर्स के दौरान हम पढ़ते हुए बनाएंगे भी, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगेगा इन एप्लीकेशंस को JSE में आप कैसे कर सकते हैं डिजाइन. ओके, सो इज इट क्लियर? JSE वाला पार्ट क्लियर है. JSE इज कोर जावा, जो जावा के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट आपको सिखाती है. Can I get a yes or no if you are having any doubt? Is the concept clear? Okay, fine. JSE के बाद next जो जावा का स्टेप होता है जो आप ले सकते हैं, that is Java Enterprise Edition, that is JEE. Enterprise का अगर आप verbal meaning निकालें तो enterprise का मतलब हुआ एक बड़ी organization, like एक bank है या टाटा इंडस्ट्रीज हैं या रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं. ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन सिंगल मशीन के ऊपर रन नहीं होती है, वो एक नेटवर्क के ऊपर रन होती है. तो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए चैटिंग एक छोटी सी एप्लीकेशन है, वो दो यूजर के बीच में भी आराम से बनाई जा सकती है. लेकिन आप एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस के सारे रिलायंस फ्रेश आउटलेट्स को आपस में कनेक्ट करके दिन भर का सेल्स ऑर्डर्स लेकर और उनके प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशंस आप JSE में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ेगा और JSE की परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होगी जितनी JEE की होगी जब बात नेटवर्किंग की आती है. तो अगर आप कोई एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे आप बहुत सिंपल वर्ड्स में एक वेब एप्लीकेशन भी बुला सकते हैं, तो आप यूज करते हैं JEE. हालांकि ध्यान रखिएगा एंटरप्राइज और वेब एप्लीकेशंस में फर्क है. लेकिन अभी क्योंकि आप बिगनर हैं, आप मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन जो हम इंटरनेट के थ्रू रन कर पाते हैं, That is basically a kind of web application. जैसे इस समय जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं with the help of web browser, that's a kind of web application. आप viziq के सर्वर से कनेक्टेड हैं और उस सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रही है जो आपको और मुझे आपस में कनेक्ट कर रही है. That is a kind of web application. या Facebook आप ले लें या Amazon.in आप ले लें, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप वेबसाइट्स बुलाते हैं, ये एक्चुअली में कहलाती हैं वेब एप्लीकेशंस. और इन वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जावा की जो ब्रांच लगती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज JEE. राइट, तो आप बहुत सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि JEE सीखने के बाद आप उन एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं जो सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती हैं, इंटरनेट के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती हैं. पर्टिकुलर JSE में जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो सिंगल मशीन के ऊपर रन होती है नॉर्मली. और अगर आपको कोई एप्लीकेशन n नंबर ऑफ मशीन्स पे रन करनी है वाया इंटरनेट, तो वो एप्लीकेशन आप बनाते हैं यूजिंग JEE. कुछ बेहद पॉपुलर JEE एप्लीकेशंस Amazon.in है, Alibaba.com है जो मैंने कहा दुनिया की नंबर 1 शॉपिंग वेबसाइट है, IRCTC.co.in इंडियन रेलवेज की वेबसाइट, Idea Cellular, Airtel.in. मैक्सिमम वेबसाइट जो आपको यहाँ दिख रही हैं, इनकी मैक्सिमम कोडिंग लिखी गई है यूजिंग JEE. यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जनरली इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स चलती हैं वो पूरी की पूरी एक सिंगल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं होती है. जैसे अपन सब जानते हैं फेसबुक PHP पे बनी है, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फेसबुक सिर्फ PHP पे नहीं बनी है. फेसबुक का मेजर पोर्शन PHP पे कोडेड है, लेकिन कुछ हद तक वो जावा भी यूज करती है. जब ट्रांजैक्शंस की बात आती है, जब फाइल हैंडलिंग की बात आती है, तो वो पाइथन भी यूज करते हैं. तो इस तरह से आप देखेंगे एक एक वेबसाइट में एक मेजर टेक्नोलॉजी होगी, बाकी माइनर टेक्नोलॉजीज होंगी. तो मैंने आपके सामने जितनी भी साइट्स के नाम लिखे हैं, इन सब में जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज बेसिकली जावा. बाकी ये इंटरनली अपने लिए C++ तक यूज करते हैं जब बात इनके अंदर प्लेटफॉर्म की आती है, या जब बात इनको किसी तरह के C++ स्पेसिफिक कोड को चलाने की आएगी. वो आप आगे देखेंगे कि कैसे जावा की एप्लीकेशंस C++ एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं. बट मेनली इन एप्लीकेशंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है दैट इज JEE, और बहुत कॉमन तौर पे लोग इसे एडवांस जावा बुलाते हैं. हालांकि सन ने कभी एडवांस जावा करके नाम नहीं दिया, सन ने जो नाम दिया दैट इज बेसिकली JEE और JEE. राइट, सो बेसिकली JEE सीखकर आप इंटरनेट एनेबल्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. Okay, is it clear? No, not no, Shalu. Website and web services are all together a different thing. Webs बहुत अच्छा question है, good question. Website और web service बिल्कुल अलग अलग है. मैं आपको एक example देता हूँ. Website का हमेशा UI होता है, user interface होता है. Website जो बंदा use कर रहा है, उसके सामने open होती है अपने UI को लेकर. जैसे Facebook, Amazon ये सब websites हैं. Web services internet पे run होने वाले ऐसे programs होते हैं, जिनका कोई user interface नहीं होता. और दूसरे programs जो internet पे run हो रहे हैं, वो इन प्रोग्राम्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यूजर को डिस्प्ले करते हैं. एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, ओके, किसी XYZ टास्क को करने की वेबसाइट आपने डिजाइन करी. अब आप अपनी वेबसाइट पे इंडियन रेलवे रिजर्वेशन से कुछ इंफॉर्मेशन लाकर दिखाना चाहते हैं. लेट्स से आप दिखाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ओके. अब इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा IRCTC के सर्वर से, और IRCTC की वेबसाइट आप एक्सेस नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम से, क्योंकि आपकी तो प्रोग्राम खुद एक वेबसाइट होगा. आप अपनी वेबसाइट से IRCTC की वेब सर्विस एक्सेस करेंगे. वेब सर्विस का मतलब इंटरनेट पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूजर इंटरफेस नहीं होता. उनको कोई दूसरे प्रोग्राम्स कॉल करते हैं, उनको आप एकदम फंक्शन कॉल की तरह माने. दूसरे प्रोग्राम्स उनको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास करते हैं, वो उन पैरामीटर्स पे काम करके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और जो दूसरा वाला प्रोग्राम है वो रिस्पॉन्स का आउटपुट यूजर के सामने डिस्प्ले कर देता है. लेट्स से किसी न्यूज़पेपर पे आपको शेयर के रेट्स दिखते हैं. अब न्यूज़पेपर वालों को शेयर के रेट्स कैसे मिल रहे हैं? उन्होंने शेयर वाली जो वेबसाइट्स होंगी उन सब से जो भी शेयर पे ट्रेड डील करती होंगी साइट्स, उनकी वेब सर्विस एक्सेस करके आपको डिटेल्स ला कर दी होंगी. या मान लीजिए न्यूज़पेपर वाले आपको टेम्परेचर दिखाते हैं, तो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर से डील करने वाली वेबसाइट्स होंगी, जो एनवायरमेंट से डील करने वाली साइट्स होंगी, उनकी अपनी वेब सर्विसेज होंगी. उन वेब सर्विसेज को एक्सेस करके आप ये डेटा दिखाते हैं. या मान लीजिए आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो लोगों के फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट लाकर दिखाए. फेसबुक ने भी अपनी एक वेब सर्विस बना रखी है जिसको हम लोग चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं. इन्हें हम APIs भी बुलाते हैं. जब इन्हें कॉल करेंगे आप अपने प्रोग्राम से, तो फेसबुक एक पर्टिकुलर यूजर की आपको फ्रेंड लिस्ट दे देगा, जबकि आप फेसबुक की साइट नहीं खोल रहे हैं, आप फेसबुक की एक्सेस कर रहे हैं वेब सर्विस. तो एक बड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा. वेबसाइट्स का हमेशा यूजर इंटरफेस होता है. वेबसाइट से एक यूजर बात करता है. वेब सर्विस से कभी यूजर बात नहीं करता. वेब सर्विस से हमेशा दूसरे प्रोग्राम्स बात करते हैं. वेब सर्विस उन प्रोग्राम्स को डेटा देती हैं, और वो प्रोग्राम्स उन डेटा को अपने यूजर के सामने फॉर्मेटेड वे में करते हैं डिस्प्ले. क्लियर? ओके. सो JEE में आप मेनली डेवलप करते हैं वेब एप्लीकेशंस, राइट? देन कम्स JME. JME जैसा मैंने कहा, लोग नॉर्मली सोचते हैं इट्स मोबाइल एडिशन, rather it is माइक्रो एडिशन. हालांकि JME JSE का ही स्लिमर वर्जन है, स्ट्रिप डाउन वर्जन है. यानी जितनी लाइब्रेरीज और क्लासेस JSE में अवेलेबल हैं, उससे कम अवेलेबल हैं JME के अंदर, क्योंकि JME स्मॉल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करता है, लाइक मोबाइल डिवाइसेस और पेजर्स, और इनके पास जो मेमोरी अवेलेबल होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के पास अवेलेबल है. तो JME का स्ट्रिप डाउन, JSE का स्ट्रिप डाउन वर्जन है JME, जिसमें आप जनरली मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. अब मोबाइल प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब मोबाइल फोन ही नहीं है. मोबाइल फोन तो है ही, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है. अदर देन मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट, स्मार्ट कार्ड्स, सेट टॉप बॉक्सेस, इन सब के लिए जो आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JME. लेकिन खासतौर पे JME के एप्लीकेशंस मोबाइल के लिए बना करती थी. नोकिया, सैमसंग का बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बड़े यूजर्स थे. लेकिन जैसा आप जानते हैं 2007 के आते आते मार्केट में स्मार्टफोन आया. स्मार्टफोन के आते ही JME को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, और JME की जगह पर आज की तारीख में अगर आप नोटिस करें तो आपको मिलता है एंड्रॉइड. सो अगर आप जावा के इन तीनों एडिशंस को कंपेयर करें तो सबसे कम यूज फिलहाल जिसका हो रहा है दैट इज JME. बाकी JEE और JSE नंबर 1 लैंग्वेज बना रहे हैं जावा को. वो आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन JME 2006 तक खूब चलता था जब लोग फीचर फोन यूज करा करते थे. आज की तारीख में स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, इन सब के लिए एक अलग एप्लीकेशन डिजाइनिंग की जरूरत होती है, और वो JME में हम नहीं कर सकते हैं. वो जनरली हम करते हैं एंड्रॉइड में. बट आप गेस करिए जावा को लॉस क्यों नहीं है एंड्रॉइड के आ जाने से? जावा को कोई भी लॉस नहीं हुआ. इनफैक्ट जावा प्रमोट हुई एंड्रॉइड के आने से. रीजन गेस करिए. Why Java was promoted, जबकि एंड्रॉइड जावा ने नहीं बनाया है. एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट है, सन का प्रोडक्ट नहीं है एंड्रॉइड. बट जावा को कोई सेटबैक नहीं लगा. गेस वाई? व्हाट इज द रीजन? या दैट्स ट्रू नीरज. एंड्रॉइड कोडिंग इज बेस्ड ऑन जावा. एंड्रॉइड के बारे में मैं आपको बताऊं, जब एंड्रॉइड शुरुआत में लॉन्च हुआ था, इनिशियली वे बैक इन 2007 जब एंड्रॉइड को लॉन्च करा गया था, तब एंड्रॉइड की मैक्सिमम कोडिंग हुआ करती थी यूजिंग CC++, .NET एंड जावा, ऑल 4 लैंग्वेजेस. लेकिन बाद में गूगल ने डिसीजन लिया कि वो एप्लीकेशन लेवल की सारी कोडिंग लिखा करेंगे यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी. तो जो अपर लेयर पे एंड्रॉइड के एप्स रन होती हैं, लाइक कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस डेवलप करी जाती हैं यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी. और ये एक बड़ा रीजन रहा है कि जावा नंबर 1 लैंग्वेज 10 साल बाद आज क्यों हुई है, क्योंकि एंड्रॉइड का यूजर बेस बड़ा है. 80% स्मार्टफोन मार्केट एंड्रॉइड ने कैप्चर करा है, और एंड्रॉइड के लिए नंबर 1 लैंग्वेज जो आपको सीखनी है, दैट इज ओनली जावा. जावा पे ही एंड्रॉइड की कोडिंग लिखी जाती गई है और आने वाले टाइम में भी लिखी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है. गूगल के अभी कोई प्लान्स नहीं है कि वो जावा की जगह कोई नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करे, राइट. तो जावा इज देयर टू स्टे, एंड दैट इज द रीजन कि जेएमई के जाने के बाद भी और एंड्रॉइड के आने पर भी जावा को कोई लॉस नहीं हुआ. क्लियर? सो ये जावा के 3 एडिशंस हैं, जेएसई, जेईई एंड जेएमई. ओके, अगली स्लाइड समराइज कर देगी इनके फीचर्स को. J2SE, which was prior known as J2SE, now we call it JSE, used for learning basics of Java, learning fundamentals of Java language, as well as used for developing desktop application. Desktop application matlab single user applications, right? Then we have JEE, जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं वेब या एंटरप्राइज एप्लीकेशन. आप सिंपल टर्म्स में इन्हें इंटरनेट एनेबल्ड एप्लीकेशंस बुलाएं, जिन्हें आप इंटरनेट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज वेब और एंटरप्राइज एप्लीकेशन. एंड देन वी हैव जेएमई, जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं मोबाइल, पेजर्स, इस तरह के छोटे डिवाइसेस पे रहने वाली एप्लीकेशंस. क्लियर? तो ये हैं जावा के 3 एडिशंस जिन पे मार्केट में काम होता है, एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग इज बेसिकली JSE. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब आते हैं सबसे क्रूशियल डिफरेंस पे. पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, JDK वर्सेस JRE वर्सेस JVM. तीनों में क्या डिफरेंस है और ये तीनों क्यों अपन अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं. या शालू, व्हाट इज योर डाउट? नहीं, एंड्रॉइड शालू OS नहीं है. एंड्रॉइड अपने आप में एक सॉफ्टवेयर स्टैक है. अगर आप OS का पार्ट बोले, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं. अगर आप OS का पार्ट बोले, ये एंड्रॉइड है सपोज करिए, राइट. ये एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर स्टैक है. सबसे नीचे जो OS लेयर है एंड्रॉइड की, अगर उसको आप टारगेट करें तो एंड्रॉइड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो पार्ट है एंड्रॉइड का, वो बेसिकली लिखा गया है ऑन लाइनक्स. एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट इज बेसिकली एग्जीक्यूटेड ओवर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड्रॉइड का जो OS है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉइड OS नहीं है. लोग कहते हैं OS है, बट एंड्रॉइड OS नहीं है. ये वही बात है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, बट जनरली हम मानते हैं कि टेक्निकली देखें तो वो पूरी एक टेक्नोलॉजी है. ठीक, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर है सॉफ्टवेयर की. ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कोड करे गए हैं यूजिंग C and C++ लैंग्वेजेस. ठीक, बिल्कुल स्टैक फॉर्म में पूरी लेयर्स जा रही हैं. इनके अंदर वो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जो हार्डवेयर इंटरेक्शन कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर. आप जानते होंगे जावा हार्डवेयर इंटरेक्शन नहीं कर सकती, तो ये हार्डवेयर इंटरेक्शन करने वाले सारे कोड्स हैं जिन्हें हम कोर APIs बुलाते हैं, जो C++ लिखी गई है आपके मोबाइल फोन के अंदर. इसके ऊपर आती हैं जावा की लाइब्रेरी. ओके, इसके ऊपर जावा के प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स, वो फ्रेमवर्क जिसे आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे. यानी एंड्रॉइड के लिए जो जावा का स्ट्रिप डाउन वर्जन डिजाइन करा गया है वो ये वर्जन है. और अगर आप बात समझ पा रहे हो तो यहीं पे रहता है DVM, विच इज कॉल्ड डालविक वर्चुअल मशीन. ये यहीं पे रहता है DVM, राइट. तो ये जावा की लेयर है. और सबसे ऊपर जो लेयर होती है, दैट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर, जहां पर आप जो एप्स बनाते हैं या पहले से जो बनी बनाई एप्स आती हैं वो आपको मिलती हैं. ओके, सो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जो आपको आपकी स्क्रीन दिखती है, जिसमें आपको व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट्स की ऐप, म्यूजिक प्लेयर, ये सारे दिखते हैं. ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जावा की एक लेयर से बात करती हैं. जावा की लेयर इंटरनली बात करती है C++ से, और जो OS वाला रोल है वो प्ले करने का काम करता है लिनक्स. और ये पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक अपने आप में कहलाता है एंड्रॉइड. इस पूरे को एंड्रॉइड नाम दिया गया है. तो अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम ही एंड्रॉइड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट तो लिनक्स प्ले करता है. ये पूरी चीज अपने आप में एंड्रॉइड है. तो आप ऑफिशियल डेफिनेशन भी अगर गूगल पे जाकर एंड्रॉइड की देखें तो उनका यही कहना है एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक, नॉट जस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. सो अब आज मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम. राइट, सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं इनके फुल फॉर्म्स. व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआरई एंड व्हाट इज जेवीएम, है ना, इनका फुल फॉर्म. और इनका एक डिटेल्ड डिस्कशन बहुत जरूरी है जावा की आगे के बिहेवियर्स को समझने के लिए. फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. Right, then JRE stands for Java runtime environment, while JVM stands for Java virtual machine. इन तीनों को लेकर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि JDK, JRE और JVM में क्या डिफरेंस है. अब लेते हैं इनका डिफरेंस. सबसे पहले हम सबसे छोटी लेयर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज JVM. सबसे इनर लेयर जो होती है वो JVM की होती है. राइट तो सबसे पहले जेवीएम की ऑफिशियल डेफिनेशन. जेवीएम क्या है? जेवीएम अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो प्री कंपाइल्ड जावा कोड्स को रन कर सकती है. अब यहां दो वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा, एक तो वर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट मशीन और एक वर्ड आ रहा है प्री कंपाइल्ड. पहले प्री कंपाइल्ड ले लें. प्री कंपाइल्ड मतलब जेवीएम कोड कंपाइल नहीं करता, कोड कंपाइल होना चाहिए. कंपाइल होने के बाद जो काम होता है वो काम जेवीएम का होता है. जैसे आप बहुत सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं, प्रोग्राम रन करने का काम जेवीएम करता है. एब्स्ट्रैक्ट मशीन वर्ड से मेरा मतलब है जेवीएम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर लेयर है, लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है एज इफ वो अपने आप में एक मशीन है, एज इफ वो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है. इसलिए जेवीएम के फुल फॉर्म में आपको वी मिलता है, वेयर वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल. तो जेवीएम होने को एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर्स ऐसे होते हैं एज इफ वो एक मशीन या प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है. जो रोल एक प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का दूसरे प्रोग्राम्स के लिए होता है, वही रोल जावा प्रोग्राम्स के लिए प्ले करता है जेवीएम. आगे मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा कि जेवीएम क्या कुछ करता है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, बट बिहेव एक मशीन, एक प्लेटफॉर्म की तरह करता है. दैट इज वाई द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट. प्री कंपाइल का मतलब जेवीएम को कोड कंपाइल नहीं करना है, जेवीएम को कंपाइल्ड कोड चाहिए, कंपाइल्ड कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट जरूर कर लेगा. क्लियर? So in simple terms, we can say the code execution component of Java is basically JVM. तो आपके प्रोग्राम्स को रन कौन करता है? तो आप सिंपली बोलेंगे JVM करता है. प्रोग्राम्स को कंपाइल कौन करता है? कंपाइल जावा का कंपाइलर करता है, जो JVM का पार्ट नहीं होता है, वो JVM से बाहर होता है. JVM के अंदर सिर्फ वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं. ओके और JVM, जैसा हम पहले भी जानते हैं, JVM मेनली डिजाइन करा जाता है प्लेटफॉर्म्स को देखकर. सो हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट जेवीएम अवेलेबल. क्लियर? सो ओएस सीपीयू का कॉम्बिनेशन अगर विंडोज और कोर i5 है तो ये एक अलग जेवीएम के लिए होगा, और अगर आपके पास लिनक्स है एएमडी के ऊपर तो इसके लिए जेवीएम अलग बनाया जाएगा. प्री कंपाइल्ड को, या दैट्स ट्रू श्रीनिवास, प्री कंपाइल्ड मीन्स बाइट कोड जो पहले से कंपाइल करके रखा गया हो, दैट इज कॉल्ड एज प्री कंपाइल्ड. दैट्स ट्रू, प्री कंपाइल्ड इज बाइट कोड. और अगर आप CC++ में बोलते तो क्या बोलते? अगर यही CC++ के लिए टर्म यूज करा जाता प्री कंपाइल्ड कोड, तो वहां क्या बुलाते? वहां प्री कंपाइल्ड कोड इज मशीन कोड. दैट्स ट्रू, बट इन जावा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड. इन जावा वी हैव बाइट कोड व्हिच इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर, सो दैट्स कॉल्ड एज प्री कंपाइल्ड कोड. राइट, नाउ अ बेसिक क्विज, ट्राई आंसरिंग दिस. इसमें ऑप्शंस नहीं है, आप अपने वर्ड्स में समझाएं चैट विंडो में जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं, उसमें क्या मशीन जैसा है और क्या वर्चुअल है, बस ये बता दीजिए आप. व्हाट इज वर्चुअल एंड व्हाट इज मशीन? वर्चुअल इज, ट्राई आंसरिंग, वाई वी कॉल जेवीएम इज अ वर्चुअल मशीन. वर्चुअल इज बिहेवियर इज लाइक अ मशीन. ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण वीडियो ऑफ हुआ है, अभी वापस ऑन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स इन दैट. सो आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, श्रीनिवास, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? ओके, नीरज, अच्छा नीरज हैज सेड यस. अभिषेक, Ramakant? Right. Virtual means as we are not able to see. Yeah. It behaves as if it is present, but it's present in virtual form. That's true. And it behaves as if it is a hardware, but actually it's a software. वो एक software layer होती है, जबकि वो behave ऐसे करता है जैसे वो अपने आप में एक machine है. Right? अभी इसकी theory है, JVM is called virtual machine because it is a software layer, but it behaves as if it is a complete machine. That is, all the tasks which are done by a machine while running a program in other languages like C are actually done by JVM. अब आप सबसे कॉमन काम बताइए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करते हुए करता है. सबसे पहला और बेसिक काम. ट्राई आंसरिंग दिस. द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टास्क विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज. सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? मेन से. राइट? जावा में भी आप देखेंगे जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम मेन. और जावा में जो मेन को कॉल करने वाली जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो OS की नहीं होती है. दैट इज एक्चुअली डन बाय JVM. सो इट्स JVM विच जनरेट्स अ कॉल टू मेन. ऐसे ही जो मेमोरी को मैनेज करने वाला टास्क होता है वो सारे काम भी बाकी प्रोग्राम्स में OS करता है, बट जावा के प्रोग्राम में दोज टास्क आर डन बाय JVM. इसी तरह से मेमोरी को रिलीज करने का काम भी OS का होता है, बट यहां पर जो डायनेमिक मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं, जिनके बारे में हल्का सा डिस्कशन हमने करा था, उन्हें रिलीज करने का काम गार्बेज कलेक्टर नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से JVM करता है. सो मेनली जिन कामों के लिए दूसरे प्रोग्राम्स OS पे डिपेंड करते हैं, उन कामों के लिए जावा का प्रोग्राम JVM पे डिपेंड करता है. बिल्कुल JVM इंटरनली खुद भी OS से सपोर्ट लेता होगा. दैट्स वेरी ट्रू. वरना JVM फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट एक प्रोग्राम कभी OS से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है JVM से. उसके लिए पूरी दुनिया बस JVM है, उसको OS के बारे में कुछ नहीं पता है. इसलिए एक प्रोग्राम के लिए JVM बिल्कुल एक मशीन, एक प्लेटफॉर्म का एनवायरमेंट देता है, जबकि दूसरे C++ जैसे प्रोग्राम्स के लिए यही एनवायरमेंट एक OS प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई एक प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो JVM एक मशीन है, और टेक्निकली आप सोचें तो वो एक सॉफ्टवेयर है, एक वर्चुअल मशीन है जो बिहेव एक मशीन की तरह कर रहा है, बट है अपने आप में एक सॉफ्टवेयर लेयर. क्लियर? इज इट क्लियर? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? सो शैल आई प्रोसीड? ओके. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, JVM के अंदर क्या क्या होता है. ठीक है, JVM के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट मेन फोकस जो इंटरव्यूज पे होता है वो JVM के अंदर मौजूद दो खास तरीके के ट्रांसलेटर्स पे होता है. बहुत सरफेस लेवल पे तो आप भी जानते होंगे अपने पिछले लेक्चर्स की नॉलेज के बेस पर कि JVM में एक इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम के बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि JVM में एक नहीं दो इंटरप्रेटर्स होते हैं, दो ट्रांसलेटर. मुझे उसको इंटरप्रेटर नहीं बोलना चाहिए, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कुछ और होता है. वो कुछ और क्या होता है आप स्लाइड में आगे देखें. So JVM contains one interpreter and JVM contains something else also, जो later part में ऐड हुआ. इनिशियली जावा में ये नहीं था, बाद में जावा डेवलपर्स ने जावा की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ऐड करा एक और कॉम्पोनेंट, जिसका नाम उन्होंने दिया JITC और जस्ट इन टाइम कंपाइलर. राइट? अब हम समझते हैं व्हाट इज एन इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज JITC एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से फर्क कैसे हैं. सबसे पहले इंटरप्रेटर. बहुत सिंपल थ्योरी है इंटरप्रेटर की. इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बाइट कोड पढ़ेगा और उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट कर देगा. आई रिपीट, इंटरप्रेटर बाइट कोड पढ़ता है और उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. राइट? कैसे काम करता है इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर काम करता है लाइन बाय लाइन. लाइन बाय लाइन मतलब अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए 1000 इंस्ट्रक्शंस आपने बाइट कोड में जनरेट करें, तो इन 1000 इंस्ट्रक्शंस में से एक इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेटर उठाएगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन उठाएगा. एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कि लेट्स इमेजिन ये आपका बाइट कोड है. सपोज कीजिए ये बाइट कोड फाइल है आपकी. ठीक है, इस बाइट कोड फाइल में ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये इंस्ट्रक्शन 3 है, और ऐसे ये 1000 इंस्ट्रक्शंस बाइट कोड के अंदर जनरेटेड है. ठीक है, JVM सबसे पहले इंटरप्रेटर, टू बी वेरी प्रिसाइज, जस्ट अ मोमेंट, इंटरप्रेटर सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा. ओके, ये किस फॉर्म में है? बाइट कोड फॉर्म में, जो OS के समझ में नहीं आएगा. वो इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में और तुरंत इसे रन करवा देगा, CPU के पास भेज देगा कि इसे CPU रन करे. फिर वो अगला इंस्ट्रक्शन उठाएगा, अगले इंस्ट्रक्शन को फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. ध्यान रखिएगा, मशीन कोड सेव नहीं करता है इंटरप्रेटर, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, CPU को रन होने के लिए देता है और वो कोड लॉस्ट हो जाता है. फिर अगला इंस्ट्रक्शन उठाता है, फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर CPU के पास भेजता है, CPU से रन करता है और फिर इंस्ट्रक्शन लॉस्ट हो जाता है. इस तरह से जितने इंस्ट्रक्शंस उसके रास्ते में आएंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन को वो लेगा, बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, इमीडिएटली रन करेगा और रन करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन वॉश आउट हो जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी से हट जाएगा. अगली बार फिर अगला इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट करा जाएगा. क्लियर? अब आपने अगर ये प्रोसेस समझा, आप स्लाइड में भी इसको पढ़ लें. Right? So as we know, interpreters convert line by line. So the Java interpreter converts one line of bytecode to machine language and sends it for execution to the computer. Then it repeats the same process for line number 2. Okay? अब अगर ये concept clear है, तो क्या इस concept में कोई problem नजर आ रही है? आप बताइए, कोई दिक्कत दिख रही है इस concept में कि interpreter एक line उठाता है, convert करता है, run करता है, फिर अगली line उठाता है, convert करता है, run करता है, इसमें कुछ दिक्कत है? कुछ परफॉर्मेंस ग्लिच है? अगर है तो क्या क्या परफॉर्मेंस ग्लिच आ रही है? रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा यूजर के स्क्रीन पे, उसकी कोई इश्यूज नहीं है. इंस्ट्रक्शन से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो यूजर के आगे आ जाएगा. राइट? इफ थर्ड लाइन के ऊपर कोई एरर है, एरर अगर कंपाइल टाइम एरर है तो कंपाइलर रोक देगा, अगर एक्सेप्शन है तो कोड वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, अगर एक्सेप्शन है तो हम नहीं चाहते हैं कि कोड आगे बढ़े. एक और प्रॉब्लम है, एक और नोटिस करिए प्रॉब्लम ये है, सुनिए ध्यान से. सपोज करिए मेरे पास, मैं बहुत जनरल वे में लिख रहा हूं, हाँ, एक प्रिंट ए नाम का स्टेटमेंट है. ओके, ये जावा में नहीं है, जनरल वे में मैंने लिखा. ये प्रिंट ए क्या करता है? ए वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है. जेवीएम जब इसको पहली बार देखेगा बाइट कोड में, तब इसका मशीन कोड बनाएगा, रन कर देगा. लेकिन सपोज करिए ये इंस्ट्रक्शन मैंने एक लूप में डाला है. अब इस लूप को मैं 1000 बार चला रहा हूं, तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट कर रहा है जेवीएम को, वो उसे 1000 बार जनरेट करना पड़ेगा. जितनी बार लूप जनरेट होगा वो सेम इंस्ट्रक्शन वो बार बार जनरेट करेगा, क्योंकि पुराना वाला इंस्ट्रक्शन तो वो वॉश आउट कर देगा. राइट? मतलब अगर एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो इंस्ट्रक्शन एक लूप के अंदर डाला गया है और वो लूप 100 टाइम्स चल रहा है, तो जेवीएम को उस सेम इंस्ट्रक्शन को 100 टाइम्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी नहीं बदला है. राइट? स्लाइड में आप नोटिस करिए, छोटा सा एक एग्जांपल आपको इस चीज में मैं समझा रहा हूं. इफ एन इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड 100 टाइम्स, देन द इंटरप्रेटर नीड्स टू कन्वर्ट इट 100 टाइम्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, a = 10 प्रिंट है, नो इश्यूज इन दिस. a = 10 इज रनिंग 1 टाइम, प्रिंट ए इज रनिंग 1 टाइम, नो हार्म इन दैट. बट सपोज करिए मैं प्रिंट ए को एक लूप के अंदर डाल देता हूं. अब ये लूप 100 टाइम्स चल रहा है, तो जेवीएम को 100 बार इस प्रिंट ए का बाइट कोड से मशीन कोड कन्वर्जन करना पड़ेगा, जबकि हर बार मशीन कोड कन्वर्जन सेम ही रह रहा है. ओके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद इंटरप्रेटर. इसलिए स्पीड जावा की ओरिजिनली बहुत स्लो हुआ करती थी. राइट? इन द सेकंड एग्जांपल, द इंटरप्रेटर विल हैव टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट प्रिंट ए 100 टाइम्स सिंस इट इज रनिंग इनसाइड अ लूप. मार्क दिस वर्ड, इनसाइड अ लूप. जावा डेवलपर्स ने इस चीज को समझा और उन्होंने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला. उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि जो इंस्ट्रक्शंस एक लूप के अंदर चलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस एक लूप के अंदर रिपीटेडली रन हो रहे हैं, उनका कन्वर्जन करके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाए, और अगली बार जब ये लूप एग्जीक्यूट हो तो वो जो सेव्ड कोड है उसी को दोबारा से रन कर दिया जाए, वापस कन्वर्जन करने का टाइम इंटरप्रेटर का बचा लिया जाए. इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक दूसरा कंपोनेंट लॉन्च करा, और इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. आप पढ़िए थ्योरी जो मैंने कहा. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द डेवलपर्स एट सन केम अप विद अ न्यू आइडिया. दे थॉट इफ अ स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, दैट इज लाइक अ लूप और अ रिकर्सिव कोड, देन व्हाई नॉट सेव द कन्वर्टेड कोड इन कंप्यूटर्स मेमोरी एंड देन नेक्स्ट टाइम जस्ट एग्जीक्यूट इट विदाउट कन्वर्टिंग इट. सो हमारा जो प्रीवियस कोड है उसमें जो प्रिंट ए वाला इंस्ट्रक्शन है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाता है और कन्वर्जन एक बार करना पड़ता है। बाकी के 99 टाइम्स वो स्टेटमेंट जब रन होगा तो सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी से उसको पिक करके एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये काम इंटरप्रेटर नहीं करता। इस काम को करने के लिए यूज एक खास कंपाइलर होता है जिसे कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यानी जावा के अंदर दो ट्रांसलेटर्स जेवीएम लेवल पे काम करते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है और एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। जैसे ही जेवीएम को लगता है कि एक लूप एग्जीक्यूट होने वाला है वो शिफ्ट कर देता है इंस्ट्रक्शन सेट इंटरप्रेटर से JITC की तरफ, और जब इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन रन हो रहे होते हैं तो वो काम करवाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। अब आपके प्रोग्राम के वो पार्ट्स जो रिपीटेडली रन हो रहे हैं उनको सन ने अपनी टर्मिनोलॉजी में हॉटस्पॉट बोला है। इसलिए सन ने जो जेवीएम बनाया है उस जेवीएम का नाम भी उन्होंने रखा है हॉटस्पॉट जेवीएम। आप जब जावा इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको जावा के जेवीएम का वर्जन निकालना सिखाऊंगा, तब आप देखिएगा उसमें जब आप जावा से वेरीफाई करेंगे कि कौन सा जेवीएम इंस्टॉल्ड है तो आपको जावा की तरफ से आंसर मिलेगा हॉटस्पॉट जेवीएम। हॉटस्पॉट जेवीएम जेवीएम का इंप्रोवाइज वर्जन है। ओरिजिनल जेवीएम सिर्फ इंटरप्रेटर पे काम करता था। हॉटस्पॉट जेवीएम के पास दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक इंटरप्रेटर भी और एक JITC भी। इंटरप्रेटर तब यूज होता है जब इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रहे हो, JITC तब यूज होता है जब इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स करा जा रहा हो एग्जीक्यूट। ये इंटेलिजेंस जेवीएम के अंदर डाली गई है। और एक मैं आपको जेवीएम के इंटेलिजेंस बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। दैट्स अनदर वेरी वेरी गुड फीचर ऑफ जेवीएम। प्रोग्रामिंग में आप मानते हैं प्रोग्रामर्स कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिख सकते हैं या लिख देते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। गेस करिए, प्रोग्रामिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोग्रामर ऐसे लिख देता है या लिख सकता है जिनका प्रोग्राम में कहीं कोई यूज नहीं हो रहा होता है? इज इट ट्रू? ऐसा हो सकता है? नहीं, कमेंट्स नहीं। कमेंट्स तो प्रोग्राम में कभी रन होते ही नहीं है। कोई एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन उसने ऐसा लिखा जो यूजलेस है, राइट? मैं आपको प्रूफ देता हूं। सपोज करिए मैंने सी लैंग्वेज में कोड लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 5, ठीक है? उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ ए को यूज करा, सिर्फ ए यूज हो रहा है। ये पूरे कोड सिर्फ ए पे काम कर रहे हैं, बी कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। नोटिस करिए, बी कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। तो ये यूजलेस इंस्ट्रक्शन हो गया आपके कोड का। ओके, जेवीएम आजकल इतने इंटेलिजेंटली कोड करे जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा लिख रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है तो वो कोड ऑप्टिमाइज करते हुए बाइट कोड में से इस इंस्ट्रक्शन को गायब कर देते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं आपके प्रोग्राम के बाइट कोड में से। जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शन के बिना भी प्रोग्राम वही बिहेवियर दिखाएगा जो उसके साथ में दिखाता है, ये इंटेलिजेंस जावा के जेवीएम में फिलहाल में ही ऐड करी गई है। इसलिए आप जेवीएम ट्रांसलेट करने के साथ साथ कोड ऑप्टिमाइजेशन भी करता है, और कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही होता है कि जेवीएम के पास कुछ रूल्स हैं जिनके तहत वो आपके कोड को चेक करता है कि क्या कोड में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके हुए बिना भी कोड की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो उन चीजों को वो आपसे कुछ कहे बिना साइलेंटली बाइट कोड में से ड्रॉप कर देता है, जिससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाती है। तो जेवीएम इतना इंटेलिजेंटली कोडेड सॉफ्टवेयर है कि वो आपके कोड की स्क्रूटनी करके उसके अंदर जो यूजलेस इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें एक तरह से आप यूं मान लीजिए कमेंट आउट कर देता होगा, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस कभी बाइट कोड में जाए ना और कभी यूज ही ना हो। दैट इज व्हाई वी से इन मॉडर्न एरा द जेवीएम इज वेरी एडवांस्ड। वो JITC भी यूज करता है और वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी यूज करता है, राइट? सो आई होप आपको JITC और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्लियर हुआ। JITC और इंटरप्रेटर में फर्क समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Any doubts, any queries? We can have runtime error. Runtime errors जावा के अंदर आती है ना, वो इंटरप्रेटर देता है, वो इंटरप्रेटर देगा, उसमें कोई इश्यूज ही नहीं है। इंटरप्रेटर का काम चल रहा है, रन टाइम पे एरर्स जो आएंगी वो इंटरप्रेटर की तरफ से आएंगी। ये जेवीएम का डिसीजन होगा कि वो कब JITC के ऊपर कोड को शिफ्ट करें, और JITC करेगा क्या, JITC कोड का कन्वर्जन करके मेमोरी में सेव कर देगा। अब जब वो कोड रन होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आई, नो डाउट एक्सेप्शन आएगी। JITC आपको एक्सेप्शन से थोड़ी बचाता है, वो सिर्फ बाइट कोड का मल्टीपल कन्वर्जन नहीं कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ड्यूबियस। बाइट कोड वेरिफिकेशन और कंपाइल टाइम ये अलग अलग बातें हैं। बाइट कोड वेरिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। बाइट कोड वेरिफिकेशन का मतलब आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट बाइट कोड में नहीं लिख दिया है जो किसी भी तरह से जेवीएम के सिक्योरिटी रूल्स को वॉयलेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज बाइट कोड वेरिफिकेशन. कंपाइल टाइम पे जो एरर्स आती हैं वो कंपाइलर पकड़ता है. जैसे आप इसी कोड में ले लें, लेट्स से मैंने ए डिक्लेयर ही नहीं करा, ओके, और मैंने अपने प्रोग्राम में ए को यूज करा, तो ये कोई रन टाइम एरर थोड़ी है, ये कंपाइल टाइम एरर है. कंपाइलर इसको चेक करेगा. तो जब आप कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर तो है ही ना, कंपाइलर तो अपना काम कर ही रहा है. ये तो सिंटेक्स का पार्ट हुआ ना कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है कि नहीं और आप उसे यूज कर रहे हो, तो ये सिंटेक्स एरर हुई, ये कंपाइलर हैंडल करेगा. इसका जेवीएम से मतलब नहीं है. जब कंपाइलर कोड को पास कर देगा ये कहते हुए कि ये इस कोड का बाइट कोड कन्वर्जन है, तब जेवीएम इस बाइट कोड का मशीन कोड कन्वर्जन करना स्टार्ट करेगा. इस मशीन कोड में वो ये डिसाइड करेगा, लॉजिकली ये डिसाइड करेगा कि इसका कौन सा हिस्सा इंटरप्रेटर के पास जाना चाहिए और कौन सा हिस्सा जेआईटीसी के पास जाना चाहिए. अगर रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो चाहे इंटरप्रेटर हो चाहे जेआईटीसी हो, दोनों रन टाइम पे एक्सेप्शंस देंगे. एरर नहीं, एक्सेप्शन बोलते हैं अपन रन टाइम एरर्स को जावा में. लेकिन अगर कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम है तो वो कंपाइलर देगा. क्लियर? ओके, सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बताएं आर जावा कंपाइलर एंड जेआईटीसी सेम? आप जावा कंपाइलर बोल दो या जेआईटीसी बोल दो, इट्स वन एंड सेम थिंग. यस और नो? आर जावा कंपाइलर एंड जेआईटीसी सेम? नो, नॉट एट ऑल. डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस, जावा का कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, राइट? और वो जेवीएम का पार्ट नहीं है. जावा कंपाइलर कम्स विद जेडीके, राइट? यहां बाइट थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स बाइट कोड, राइट? सो जावा कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जेवीएम. इट कम्स विद जेडीके. वाइल जेआईटीसी लिव्स इनसाइड जेवीएम एंड कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. सो ऑब्वियसली ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. दोनों में कंपाइलर वर्ड यूज हो रहा है, बट दे आर टू डिफरेंट कंपाइलर्स. वन लिव्स विद इन जेवीएम, अदर लिव्स आउटसाइड जेवीएम. एक सोर्स कोड पढ़ता है, बाइट कोड देता है, एक बाइट कोड पढ़ता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट जेआरई. अब मैंने आपसे कहा था जावा के इनिशियल्स बताते वक्त कि आपको जेवीएम कभी डाउनलोड करने के लिए अलग से नहीं मिलेगा. जेवीएम डाउनलोड जब होता है तो वो एक और सॉफ्टवेयर के साथ डाउनलोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज जेआरई. सो जेआरई कंटेन्स अ जेवीएम और यू कैन से जेवीएम कम्स बंडल्ड विद अ जेआरई. अदर देन जेवीएम, जेआरई के अंदर और क्या क्या होता है? जेआरई में जावा की प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं, कुछ और लाइब्रेरीज होती है जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं. इस पूरे कलेक्शन को अपन बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरमेंट. यानी कोई भी जावा एप्लीकेशन रन करने के लिए जिस कंपोनेंट की जरूरत है, वो सारा कंपोनेंट या वो सारा सॉफ्टवेयर सूट आपको जिस सॉफ्टवेयर के नाम से मिलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज जेआरई. पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ एप्लीकेशंस रन करने के लिए. करेक्ट? सो द जेवीएम व्हाइल रनिंग अ जावा प्रोग्राम यूजेस क्लासेस एंड अदर लाइब्रेरीज विच आर सप्लाइड बाय जेआरई. जो भी क्लासेस और लाइब्रेरीज आपको जेआरई की तरफ से मिलती हैं वो सारा कुछ आपको मिलता है अलॉन्ग विद इन द जेआरई. और जेवीएम इन लाइब्रेरीज को यूज करता है जब वो कोड का इंटरप्रिटेशन करता है फ्रॉम बाइट कोड टू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड. अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिएगा कि अगर आप जावा का प्रोग्राम लिख नहीं रहे, जो आप लोगों के साथ केस नहीं है, आप तो लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोग्राम लिखा नहीं जा रहा है सिर्फ रन करा जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है जेआरई. नहीं तो आपको चाहिए होता है, फिर आप अगली स्लाइड में देखेंगे, द कंप्लीट सॉफ्टवेयर टूल किट जो जावा आपको देती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जेडीके. यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. एक प्रोग्रामर को जेडीके चाहिए जबकि यूजर को आपके सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक जेआरई. क्लियर? तो जेआरई के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हुए? जेआरई में एक जेवीएम मिलता है, जेआरई में बाकी जावा की प्रीडिफाइंड क्लासेस और पैकेजेस मिलते हैं, और दूसरी एपीआईज और लाइब्रेरीज मिलती हैं जो आप जेवीएम के थ्रू या जेवीएम इनको यूज करता है आपके प्रोग्राम को रन करते वक्त. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज जेडीके? अब जेडीके इन सब का सुपरसेट है. जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. और जब आप जेडीके डाउनलोड करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है जो जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए, डीबग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सेटअप फाइल्स बनाने के लिए, तो जो सारे सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको मिलते हैं विद इन जेडीके. सो जेडीके के अंदर जेआरई भी होगा, जेआरई के साथ साथ लाइब्रेरी क्लासेस भी होंगी। जावा का कंपाइलर भी है जो जेआरई का पार्ट नहीं है, जेडीके का पार्ट है। जार नाम का एक टूल है जो आपके प्रोग्राम की सेटअप फाइल्स बनवाएगा। आप जब यूजर को या अपने कंज्यूमर्स को अपना सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जार फाइल्स बनाकर करते हैं। हम नॉर्मली .NET में या C++ में EXEs डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जावा में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जार फाइल्स। तो जार फाइल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, एक टूल लगता है, दैट इज कॉल्ड एज जार। वो सब कुछ आपको मिलता है बंडल्ड विद JDK। तो JDK के जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक जावा कंपाइलर है, JRE है, और वो सेटअप फाइल बनाने वाला टूल है, दैट इज कॉल्ड एज द जार टूल। जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्किव और ये जावा की सेटअप फाइल्स का नाम होता है। क्लियर? ये डायग्राम और क्लैरिफाई करेगा JDK का JRE और JVM के साथ रिलेशन। सो अगर आप इन डायग्राम्स को देखें तो ये ट्राइंगल्स, ये रेक्टेंगल्स मैंने एक दूसरे के अंदर प्लेस करें, जिसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप JDK डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सब को मिलता ही है। अलॉन्ग विद दिस आपको मिलता है JRE। JRE अपने साथ क्या क्या लाता है? JRE अपने साथ जावा प्रोग्राम्स रन करने का कमांड लाता है, विच इज जावा। जो आप प्रोग्राम रन करेंगे तब आप नोटिस करिएगा JRE के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, प्लस JRE के अंदर होता है JVM। JVM के अंदर कौन कौन होता है? एक GC है, GC स्टैंड फॉर, ट्राई गेसिंग, GC स्टैंड फॉर यस गार्बेज कलेक्टर, ट्रू। और अदर देन गार्बेज कलेक्टर, इंटरप्रेटर, JITC, मेमोरी मैनेजर, थ्रेड शेड्यूलर, बहुत सारा कुछ होता है जो आपको JVM के अंदर मिलता है, जो JVM के अंडर कंट्रोल रहता है। राइट? क्लियर? तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं JRE डाउनलोड करूंगा तो JVM मिलेगा? विल आई गेट अ JVM इफ आई डाउनलोड अ JRE? यस। और जब मैं JDK डाउनलोड करूंगा तो विल आई गेट अ JRE? यस। और अगर मैं JVM डाउनलोड करूंगा तो विल आई गेट अ JRE? JVM डाउनलोड ही नहीं हो सकता, डाउनलोड करूंगा कैसे? JRE डाउनलोड होगा, JVM डाउनलोड ही कहां से होगा? आप डाउनलोड सिर्फ JRE या JDK कर सकते हैं, JVM डाउनलोड नहीं होगा। JVM ऐसा पार्ट आएगा इन JRE। क्लियर? नाउ सम बेसिक क्विज़ेस। आंसर तो आपके सामने आ गया। बताएं, कैन आई कंपाइल अ जावा एप्लीकेशन इफ आई हैव अ JRE? इज इट अ यस और इज इट अ नो? अगर मेरे पास एक जावा का प्रोग्राम है तो मैं उसे कंपाइल कर सकता हूं अगर मेरे पास JRE है तो? कैन आई कंपाइल इट? या नो? एब्सोल्युटली नो। आप जावा के प्रोग्राम्स को कभी JRE के थ्रू कंपाइल नहीं कर सकते हैं। कंपाइल आप करते हैं जावा सी नाम के टूल से, विच कम्स बंडल्ड विद JDK। JRE से आप प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ रन कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब जावा आप डाउनलोड कैसे करेंगे? राइट, मैं आपको आज स्लाइड्स में बता देता हूं, आप इसे फॉलो करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका लाइव डेमो दूंगा। अच्छा, उससे रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी है लाइव डेमो से रिलेटेड। लाइव डेमो में मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं viziq, आप लोग अभी इसे ब्राउजर से एक्सेस कर रहे होंगे। ओके, मैं आपको एक URL दे रहा हूं, मैम ने आज आपको मेल भी करा होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, viziq.com/desktop। इस URL पे आप जाइएगा तो आपको viziq कंपनी की एक एप्लीकेशन मिलेगी, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। या जावा सी मीन्स जावा कंपाइलर, नीरज, ट्रू। जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर। तो आप viziq.com पे जाकर /desktop पे जाइएगा तो वहां पर आपको एक exe मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि जब मैं स्क्रीन शेयर करूं तो आपको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उतने ग्लिचेस नहीं आएंगे। अभी अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो 15 सेकंड के आसपास का डिले आएगा, मतलब जो मैं यहां करूंगा वो आपको 15 सेकंड बाद कन्वे होगा, ड्यू टू स्पीड और ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल सर्वर्स, वो उनके कारण हो जाता है, उनका ये क्लेम है। तो उन्होंने कहा है आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो 5 से 6 सेकंड के डिले में पूरा डेटा आपको कन्वे हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अगले लेक्चर में आने से पहले दोनों चीजें डाउनलोड कर लें, एक तो जावा का डाउनलोड जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको आप ट्राई कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में आपको इसका लाइव डेमो दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है, और viziq.com/desktop पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी उसे आप डाउनलोड कर लें। मैम ने आज आपको एक लिंक भी भेजा होगा, वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ उसे डाउनलोड कर लें और जैसे आप ब्राउजर में लॉग इन करेंगे वो एप्लीकेशन अपने आप रन हो जाएगी, और वो एप्लीकेशन ज्यादा बेटर तरीके से वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाती है, इसलिए आप उसे डाउनलोड कर लें। जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको ज्यादा ग्लिचेस नहीं आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो आज बात करते हैं जावा डाउनलोड कैसे आप करेंगे। जैसा मैंने कहा हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो वी डोंट रिक्वायर जस्ट अ JRE, वॉट वी रिक्वायर इज कंप्लीट JDK। JDK डाउनलोड करने के लिए URL मैंने आपको दिखाया हुआ है www.oracle.com/technetwork/java/javaSE/download/index.html। इतना बड़ा आप ना भी टाइप करें, आप तो सिर्फ इतना भी टाइप कर देंगे अगर java.sun.com, इतना भी आप टाइप अगर कर देंगे अपने ब्राउजर में तो आप जावा के होम पेज पे आ जाएंगे। वहां आपको डाउनलोड नाम का लिंक मिलेगा। ये सब मैं आपको कल प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाऊंगा, आज आप इसको फॉलो करिएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको जावा के अवेलेबल डाउनलोड्स दिखेंगे, उसमें क्लिक करिएगा जावा SE पे। कोर जावा वहां नहीं मिलेगा, वहां जावा SE के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप जावा SE पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये स्क्रीनशॉट वहीं से कैप्चर करा है मैंने। इसमें आप ऑब्जर्व करें तो आपको दो चीजें दी जा रही हैं डाउनलोड करने के लिए, एक प्लेन JDK है और एक NetBeans विद JDK है। NetBeans जैसा आप जानते होंगे जावा का IDE है, वेयर IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। IDE वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके प्रोग्रामिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विद द क्लिक ऑफ अ बटन जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, IDE उनको आपके लिए ऑटोमेट कर देगा। बट क्योंकि आप पहली बार जावा सीख रहे हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियली NetBeans डाउनलोड ना करें। आप इनिशियली सिर्फ डाउनलोड करें JDK, क्योंकि इससे आप जावा के सारे कोर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। क्योंकि जब भी कभी आप कोई इंटरव्यू फेस करेंगे जावा पे, IDE पे कोई कंपनी आपका इंटरव्यू नहीं लेगी। जनरली वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो जावा को आप प्लेन एंड सिंपल तरीके से सीखेंगे तो आपके समझ में आएंगे। इसलिए आप इनिशियली JDK डाउनलोड करें। बट ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा हम इसमें एक प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट डेफिनेटली हम IDE के ऊपर करेंगे, क्योंकि जब आप कंपनी में रिक्रूट हो जाएंगे तो काम IDE पे होता है। बट सिलेक्शन प्रोसेस जब वो लेते हैं, इंटरव्यू जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो IDE पे पढ़ते वक्त आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि IDE उन चीजों को हाइड कर लेता है। जैसे IDE में कभी पता ही नहीं चलता जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने का कमांड क्या होता है, जबकि आप नोटपैड के थ्रू ये काम करेंगे तो आपको JavaC नाम का टूल, नाम का सॉफ्टवेयर यूज करना मैं सिखाऊंगा, तो जावा को कंपाइल करने का तरीका आपके समझ में आएगा। सो इनिशियली एटलीस्ट एरे चैप्टर तक हम लोग प्योर नोटपैड पे काम करेंगे। जब आप एरेज पढ़ते पढ़ते जावा में कंफर्टेबल होने लगेंगे तब मैं आपको NetBeans का यूज करना सिखाऊंगा, और तब पैरेलली हम दोनों पे काम करा करेंगे। बट टू बिगिन विद विल बी यूजिंग ओनली JDK पार्ट। तो आपको सिर्फ अभी JDK डाउनलोड करना है, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है आप जब JDK डाउनलोड करने जाएं, मे बी कल जाएं, परसों जाएं, जब भी आप जाएं, क्योंकि जावा बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होती है, तो ये U66 जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड में नहीं है चीज, को ध्यान से आप सुनिएगा। ये जो U66 आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अपडेट। ध्यान रखिएगा, जावा का जो अपडेट होता है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। फर्क तब आता है जब जावा का मेन वर्जन चेंज होता है, यानी जावा 6 से जावा 7 पे आप आइए, जावा 7 से जावा 8 पे आइए तो बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर JDK 8 अपडेट 1 से आप अपडेट 66 पे आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। सिर्फ JVM के जो बाइट कोड को इंटरप्रेट करने के तरीके हैं, वो कोड ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स ये लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं हर नए अपडेट के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि JDK 8 अपडेट 1 में जो स्पीड मिलेगी वो JDK 8 अपडेट 66 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ऐसा कोई फीचर नहीं है, ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अपडेट 66 में और अपडेट 1 में ना हो। इसलिए अपडेट का डिफरेंस और वर्जन के डिफरेंस में फर्क समझिएगा। अपडेट का डिफरेंस सिर्फ JVM लेवल का डिफरेंस है, उससे प्रोग्रामर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपडेट जो वर्जन का डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस है। आप जावा 8 जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो जावा 8 में ही अवेलेबल हुए हैं, वो जावा 7 में नहीं थे। जावा 7 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जावा 6 में नहीं थे। तो अपडेट का ध्यान उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वर्जन का ध्यान आप रखिएगा। हालांकि इनिशियली तो आप जावा 7 भी अगर यूज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आपको बताता चलूंगा ऐसी कौन कौन से फीचर्स हैं जो जावा 8 के अंदर जावा ने अवेलेबल कराए। तो अगर आपके पास जावा 7 भी हो तो भी चलेगा, जावा 7 से नीचे का हो तो दिक्कत है, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जावा 7 में हमें दूसरे तीसरे प्रोग्राम के अंदर ही दिखने लगेंगे। इसलिए मेक श्योर आप एटलीस्ट जावा 7 पे काम कर रहे हो। अपडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपडेट कुछ भी चलेगा। आगे चलकर जावा 8 में क्या नया ऐड हुआ है वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा, तो आप जावा 8 पे भी उसको यूज करके देख सकते हैं। क्लियर? सो डिफरेंस क्लियर हुआ JDK और NetBeans का। ओके, एंड IDE और JDK का भी डिफरेंस क्लियर हो गया। राइट फाइन. अच्छा बताइए आईडी का डिफरेंस अगर क्लियर हुआ. टर्बो क्या है? जो जो ब्लू कलर की विंडो आती है जिसमें आप लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं, व्हाट इज दैट? दैट्स ट्रू, दैट इज एन आईडीई राइट. इट्स नॉट अ कंपाइलर, इट्स एन आईडीई. कंपाइलर उसके अंदर बिल्ट इन होता है. अब आपको पता ही नहीं होता है कि टर्बो आईडी बिना यूज करे C++ के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिना आईडी यूज करे C++ का प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है. इसीलिए मैं कह रहा हूं जावा के अंदर अपन को पहले बिना आईडी के काम करना होगा ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. उसके बाद अपन आगे बढ़कर फिर आईडी की तरफ चलेंगे. क्लियर? अब जब आप JDK पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड्स के ऑप्शंस आएंगे. उसमें ऑब्वियसली बात है वो एक लाइसेंस एग्रीमेंट आपसे चाहेंगे, उसे आपको क्लिक कर देना है इस रेडियो बटन पे. और इसके बाद अगर आप अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉल करें तो आपको वेरियस वर्जन दिखेंगे. अब आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो आप बताएं इतने सारे वर्जन जावा के क्यों बनाए गए? वाई सो मेनी वर्जन आर देयर फॉर जावा? लिनक्स के ही 4-4 वर्जन है, विंडोज के ही 2 वर्जन है. वाई इज इट सो? बिकॉज वेरी गुड, बिकॉज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बिकॉज ईच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन अगर आप इन दोनों लिनक्स की बात भी करें, लिनक्स x86 एंड लिनक्स x64 या विंडोज x86 एंड विंडोज x64, इन दोनों का इंस्ट्रक्शन सेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. दैट इज द रीजन कि जावा के उतने वर्जन सन ने बनाए जितने मार्केट में अलग अलग अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म. और एग्जैक्टली बोलूं तो इनमें क्या चेंज होगा आप बताइए? इनमें क्या चेंज होगा जावा का कंपाइलर या जावा का जेवीए इस पूरे सेटअप में? वेरी गुड, जेवीएम चेंज होगा और इंस्ट्रक्शन सेट जेवीएम ही जनरेट करता है तो इंस्ट्रक्शन सेट ये लोग अलग अलग जनरेट करेंगे. क्लियर? तो इनका जो इंटरनल वर्किंग है जेवीएम लेवल पे वो डिफरेंट होगी, लेकिन आपके लेवल पे एवरीथिंग इज सेम. इसलिए आप इनमें से कोई भी वर्जन डाउनलोड करके कोड कंपाइल करें, बाइट कोड बिल्कुल सेम मिलेगा. कोई भी वर्जन डाउनलोड करके मतलब जैसा प्लेटफॉर्म आपका है वैसा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास विंडोज है तो आप ये वर्जन यूज करें, लिनक्स है तो आप ये वर्जन यूज करें एंड सो ऑन. आप विंडोज में भी एक चीज पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा. विंडोज के आपको 2 वर्जन दिख रहे होंगे, एक x86 और एक x64. x86 आपको डाउनलोड करना है इफ यू आर यूजिंग विंडोज 32 बिट. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. अगर आप विंडोज 32 बिट यूजर हैं तो आप यूज करेंगे x86, और अगर आप विंडोज 64 बिट यूजर हैं तो आप यूज करेंगे विंडोज x64. पता कैसे करेंगे आप 86 या 32 बिट यूजर हैं कि 64? तो कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर का आइकन होता है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा. मैं यहां लिख देता हूं राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर, देन सेलेक्ट प्रॉपर्टीज राइट. In that you will find system type information, ये आपको मिलेगा. इसके आगे लिखा होगा 32 बिट और 64 बिट. तो ध्यान रखिएगा आप जावा का करेक्ट वर्जन डाउनलोड करें. प्रॉब्लम क्या होगी अगर वर्जन करेक्ट नहीं होगा वो भी बता देता हूं. जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा. अगर आप 64 बिट यूजर हैं और आपने x86 डाउनलोड कर लिया जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन फ्यूचर में जब आप आईडीज इंस्टॉल करेंगे, अगर आप एंड्रॉइड की तरफ जाते हैं तो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर किट इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी आप इंस्टॉल करेंगे तो वर्जन इनकम्पैटिबिलिटी के कारण वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम देंगे. तो अगर आप सिर्फ कोर जावा तक एम रखते हैं तो इट हार्डली मैटर्स, आप विंडोज का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए. लेकिन अगर जावा में आगे बढ़ना है, एडवांस जावा आप सीखेंगे, जावा EE में आप वेब सर्वर्स डाउनलोड करेंगे, सब में वर्जन कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आती है. फिर स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल जावा हटानी पड़ती है, दोबारा से करेक्ट वर्जन डालना पड़ता है और फिर उसको अपने सारे प्रोग्राम्स बैकअप लेने पड़ते हैं. इससे बेटर ये आप इनिशियली ध्यान रखें. मैंने स्लाइड में भी इस चीज को मेंशन कर दिया है, आप पढ़िए ध्यान से. द वर्जन कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर अदर इंस्टॉलेशन जो आपको चाहिए होंगे, लाइक वेब सर्वर, एक्लिप्स आईडी का इंस्टॉलेशन, एंड्रॉइड का इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह. सो बी वेरी श्योर. आप 64 बिट यूजर हो तो x64, 32 बिट यूजर है तो x86. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब जब आप डाउनलोड कर लेंगे ये सेटअप फाइल तो आपके पास इन दोनों आमों में से, मैं मान रहा हूं आप विंडोज यूज कर रहे हो, इन दोनों में से कोई एक EXE आ जाएगी. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा JDK 8 मतलब आपने जावा 8 डाउनलोड करी है. U66 अपडेट 66 है, Windows x64, it's a 64-bit operating system EXE, और i586 is targeted towards 32-bit operating system. तो जो भी EXE आपके पास आएगी आप उसे डबल क्लिक करें और बहुत ही सिंपल तरीके से, या शालू व्हाट इज योर डाउट? या ओके आप किस पे चला रहे हैं जावा? आर यू रनिंग इट ओवर लिनक्स? अगर आपने लिनक्स का जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है विंडोज के साथ में, दैट डिपेंड्स ऑन यू. यू वांट टू रन जावा ओवर लिनक्स और यू वांट टू रन जावा ओवर विंडोज. Linux then 32-bit, no problems in that. x86 version. Underlying platform तो Linux होगा ना, तो Windows का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है. ओके सो जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, चाहे वो VMware से डाउनलोड करा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वर्चुअल हो, जैसा भी हो, आप उसके हिसाब से जावा का वर्जन पिक करें. क्लियर? तो अब आपको जो सेटअप मिलेगा उस पर आप डबल क्लिक करें और बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है. आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करते जाना है. अगर आपने कोई भी चेंजेस नहीं करे, सिर्फ नेक्स्ट 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 आप करते गए, तो जावा बाय डिफॉल्ट इस पाथ पे इंस्टॉल होगी, विच इज सी ड्राइव. जावा बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही यूज करती है. ऑफ कोर्स आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा. अभी सब कुछ बाय डिफॉल्ट पाथ पे जाने दें. सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, एंड विद इन प्रोग्राम फाइल्स यू विल गेट अ फोल्डर कॉल्ड एज जावा. जावा के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा. इस फोल्डर के अंदर जाकर जब आप चेक करेंगे तो आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे. जावा फोल्डर मिलेगा, जावा फोल्डर के अंदर आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे. एक का नाम होगा JDK और एक का नाम होगा JRE. आगे जो आप देख रहे हैं 1.8.0 ये आएगा, ये आएगा. अंडरस्कोर के बाद जो XX आप देख रहे हैं, गेस करिए किससे रिप्लेस हो जाएगा. XX वुड बी रिप्लेस विद, यस, ट्रू, वेरी ट्रू, विद नॉट 64 bit, नो, अपडेट वर्जन. XX विल बी ईदर 66, 65, जैसा अपडेट आपने डाउनलोड करा होगा. करंटली वो लोग दो अपडेट्स दे रहे हैं, या करंट अपडेट वर्जन वो दो अपडेट्स अभी दे रहे हैं, 65 एंड 66. मे बी कल 67 या 68 वो लॉन्च कर दें, तो आप जब डाउनलोड करोगे तो ये XX 67 या 68 हो जाएगा. बट आपका मेन पार्ट ये है, JDK 1.8 ये आपके पास है, तो यू आर रनिंग JSE 8 और जावा 8 वर्जन. क्लियर? और साथ में JRE डाउनलोड होगा, वो आपने समझा ही. आप डाउनलोड JDK कर रहे हैं, बट JDK के साथ बंडल्ड आपको मिलेगा JRE. जबकि आप सिर्फ JRE डाउनलोड करते तो उसकी साइज भी कम होती. आपने देखा होगा JDK की साइज राउंड अबाउट 179 MB है, जबकि JRE की साइज 80 टू 90 MB के आसपास आपको मिलेगी. तो आप JRE अलग से डाउनलोड करते तो सिर्फ प्रोग्राम रन हो पाता. JDK डाउनलोड कराए तो वो कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा, बिकॉज JDK कम्स बंडल्ड विद JRE. JDK के अंदर JRE आपको मिलता है. JDK कंटेन्स अ JRE. क्लियर? अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपके पास जावा का वर्जन कौन सा है? ठीक है, मैं आपको कमांड्स बता देता हूं. सबसे पहले आपको डॉस प्रॉम्प्ट विंडो ओपन करनी है. कैसे आप ओपन करेंगे डॉस प्रॉम्प्ट विंडो? नोटिस कीजिए, आपको सिर्फ स्टार्ट में जाना है. स्टार्ट में जाकर यू हैव टू टाइप CMD, राइट? विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है. जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा विद इन दैट यू जस्ट हैव टू टाइप CMD. CMD टाइप करके जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, विच इज कॉल्ड डॉस प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट और कंसोल विंडो. ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी लॉग इन डायरेक्टरी होगी वो दिख रही होगी. जैसे मेरे यहां विंडोज सिस्टम 32 दिख रहा है. यहां से आपको जावा के बिन फोल्डर तक जाना है. यहां से जावा के बिन फोल्डर तक जाना है. कैसे जाएंगे आप? वो कमांड्स आपको यहां दिख रहे होंगे. फिर भी मैं व्हाइट बोर्ड पे टाइप कर रहा हूं, आप देख लें, चाहे तो नोट कर लें. जैसे इस समय आपको दिखाया जा रहा होगा, यू आर इनटू सी ड्राइव, विंडोज 32 और विंडोज सम फोल्डर नेम / सिस्टम 32. यहां पर आप हैं, मान लीजिए. सबसे पहले आप टाइप करेंगे CD \. डॉस का कमांड है. जिनको डॉस कमांड्स आते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जानते ही होंगे. जिन्हें नहीं आते हैं आप नोट कर लें. कमांड नॉन केस सेंसिटिव है, आप कैसे भी नोट कर लें, बस लिखना CD \. है. ये लिखने के बाद एंटर स्ट्राइक करिए। एंटर स्ट्राइक करते ही आप आ जाएंगे रूट डायरेक्टरी पे, दैट इज सी ड्राइव पे, cd/enter। इसके बाद cd स्पेस देकर आप सिर्फ pr लिखना और टैब दबा दीजिएगा, टैब की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोग्राम फाइल्स, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर स्ट्राइक कर दीजिएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि नाउ यू आर इनटू द फोल्डर कॉल्ड एज प्रोग्राम फाइल्स। देन इसके बैकस्लैश में फिर cd, फिर आप j लिखना, j लिखकर अगेन प्रेस टैब, तो j विल बी कन्वर्टेड टू जावा। एंटर स्ट्राइक कर दीजिएगा, नाउ यू वुड बी इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स इनसाइड जावा। इस जावा में आकर आप फिर लिखे cd j, अगेन टाइप टैब, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू jdk एंड सम वर्जन नंबर कंप्लीट। स्ट्राइक एंटर की और अब आप jdk के अंदर जाएंगे तो सिंपली टाइप cd, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, सिंपली टाइप cd bin, ये टाइप कर दीजिए jdk के अंदर जाकर। क्लियर, यहां जाकर आपको टाइप करना है। तो आपकी लोकेशन अगर आप नोटिस करें तो ऐसी हो जाएगी, लाइक दिस। क्लियर, इसके बाद आपको जो कमांड लिखना है वो स्लाइड पे दिख ही रहा होगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार स्लाइड। इसके बाद जो कमांड आपको दिख रहा होगा वो है java-version। दिस इज द कमांड जो आपको यहां पर शो हो रहा है। ओके, जैसे ही आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे जावा की डिटेल आएंगी। और आपने जो आज कॉन्सेप्ट समझा, आप नोटिस करिए JVM का नाम दिख रहा है जावा हॉटस्पॉट, यानी आप जो जावा डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं उस जावा में जो JVM है उसके अंदर एक JRE है। उस JRE के अंदर, उस JVM के अंदर दो इंटरप्रेटर्स हैं, एक इंटरप्रेटर और एक JITC। उस JITC का नाम है यहां पर हॉटस्पॉट, ये वही दिखाया जा रहा है आपको, राइट। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। जैसे ही आप java-version करेंगे ऊपर लिखा हुआ आएगा java-version, पूरा वर्जन नंबर लिखा हुआ आएगा और बाकी JVM की डिटेल्स आएंगी। दिस इज वन ऑफ द वेज टू चेक वेदर इंस्टॉलेशन वॉज करेक्ट और नॉट। क्लियर, तो स्लाइड्स आपको मेल हो ही जाएंगी, आप उसको एक बार और गो थ्रू कर लीजिएगा। बस कमांड याद रखिएगा, इट्स जावा देन स्पेस -version। ओके, चलिए अब आते हैं जावा पे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जावा में जैसा मैंने आपसे कहा, प्रोग्राम दो तरीके से आप बना सकते हैं। कौन से दो तरीके? यूजिंग नोटपैड एज वेल एज यूजिंग एन आईडी। लेकिन जैसा मैंने कहा इनिशियली विल बी वर्किंग विद नोटपैड। रीजन भी मैंने आपको बताया कि ज्यादा बेटर अप्रोच है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि आप हर स्टेप को थॉरली रन कर सीख पाते हैं। जबकि आईडीज के अंदर मैक्सिमम बेसिक स्टेप्स आईडी कंसील कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो जावा के हैं वो आईडी सीखते वक्त कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आईडी पे काम करना बहुत जरूरी है, प्रोजेक्ट आईडी पे ही बनेगा, लेकिन इनिशियली विल बी यूजिंग नोटपैड। तो आप अभी ना नेटबीन्स ना एक्लिप्स कुछ भी डाउनलोड मत कीजिए, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए JDK 8, वो आपको डाउनलोड बस करना है, क्योंकि दैट कैन वेरी वेल बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, राइट। अब नोटपैड पे जब आप अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स के थ्रू पास होना पड़ेगा। नोटपैड यूज करके जावा प्रोग्राम बनाने और रन करने में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो सभी में होते हैं। सबसे पहला होगा अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना, टाइपिंग द सोर्स कोड ऑफ योर प्रोग्राम, दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होगा अपने सोर्स कोड को कंपाइल करना। क्लियर, सोर्स कोड लिखना इज द फर्स्ट स्टेप, प्रोग्राम को कंपाइल करना दैट विल बी योर सेकेंड स्टेप। अब आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो आप बताइए जावा के टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं। कंपाइल होता है तो क्या होता है? मशीन कोड बनता है। जावा के टर्म्स में क्या लिखा जाए? Yes, so in Java's vocabulary we can write the same thing as conversion from source code to bytecode. This is what Java compiler does, right? Then आपका थर्ड स्टेप होगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। जावा के टर्म्स में क्या बोलेंगे इसे? एग्जीक्यूशन इज मशीन कोड। व्हाट मशीन कोड? एग्जीक्यूशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड एंड कन्वर्जन टू द मशीन कोड। तो एग्जीक्यूट होना भी यहां इंटरप्रेटर के जरिए होता है, दैट इज वाई इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड। So Java की vocabulary में बोला जाए तो conversion from bytecode, from source code to bytecode is compilation, and conversion from bytecode to machine code is actually execution. तो ये आपको तीन काम करने हैं, जबकि आप आईडी के ऊपर अगर करेंगे तो आपको बस ये करना है. ये दोनों काम जो आप देख रहे हैं वो एक बटन क्लिक पे आईडी कर देगा. आपको अलग से कंपाइल और अलग से रन करने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप रन करेंगे और कंपाइलेशन अपने आप हो जाएगा. इसलिए बहुत सारे बेसिक्स आपसे हाइड हो जाते हैं अगर आप डायरेक्टली आईडी पे काम करने लगते हैं. तो दैट इज वाई इनिशियली अपन यूज कर रहे हैं नोटपैड, राइट. सो नोटपैड में तीन स्टेप्स आपके होंगे, प्रोग्राम लिखना दैट्स द फर्स्ट पार्ट, प्रोग्राम को कंपाइल करना सेकंड पार्ट, एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या प्रोग्राम को रन करना, दैट विल बी योर थर्ड पार्ट. फाइन, अब प्रोग्राम आप लिखेंगे कैसे. प्रोग्राम लिखने के लिए आप सबसे पहले नोटपैड ओपन करें. नोटपैड कैसे ओपन करना है इसको ध्यान से समझिएगा. स्टार्ट में जाकर आप नोटपैड लिखेंगे. जैसे ही नोटपैड लिखेंगे नोटपैड का आपको आइकन दिखने लगेगा. स्टार्ट में मैं अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप अभी थ्योरेटिकली समझ लीजिएगा. जो आइकन दिखेगा उस पर आपको राइट क्लिक करना है और चूज करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. ध्यान दीजिएगा क्यों चूज करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि विंडोज में प्रोग्राम फाइल्स वाला जो फोल्डर होता है वो एक प्रोटेक्टेड फोल्डर होता है. विंडोज में प्रोग्राम फाइल्स एक प्रोटेक्टेड फोल्डर होता है. तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर हम कुछ भी सेव करते हैं तो विंडोज उसे सेव नहीं करने देती. वो या तो आपसे कहती है आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल प्रिविलेज लाएं, या वो प्रोग्राम को कहीं और सेव कर देगी लाइक माय डॉक्यूमेंट्स या कहीं और. ये दिक्कत आपको ना जाए, आप प्रोग्राम पूरा लिख लेंगे और जब सेव करेंगे तो वो सेव ही नहीं होगा तो बहुत अजीब लगेगा. फिर आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा से नोटपैड ओपन करना पड़ेगा. तो बेटर है आप इनिशियली खास ध्यान दें, जब भी नोटपैड आप ओपन करें हमेशा चूज करेंगे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. चाहे आप विंडोज 7 पे हो, चाहे आप विंडोज 8 पे हो, हमेशा सेलेक्ट करेंगे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. या फिर अगर आप विंडोज के यूजर्स बनाना जानते हो तो विंडोज में अपना यूजर बनाइए, उसे कंट्रोल पैनल में जाकर एडमिन लेवल प्रिविलेज दे दीजिए, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं होगी. बट यूजर प्रिविलेज के साथ आप जाके मैनिपुलेशंस करें, उससे बेटर है मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज करिए. तो नोटपैड पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अपने आप ऑप्शन आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा और आप अपना पहला जावा कोड टाइप कर लेंगे, राइट. अब यहां से अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पहला प्रोग्राम टाइप करना, कंपाइल करना, रन करना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी. तो मैं आपको अगले लेक्चर में यहां से कंटिन्यू करवाता हूं. नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले मेक श्योर आप जावा डाउनलोड कर लें, मेक श्योर आप बाकी चीजों को भी इंस्टॉल कर लें. आपको बस एक चीज और इंस्टॉल करनी है, जावा तो डाउनलोड करनी है, अदर देन दैट viziq का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द करंट कॉन्सेप्ट? आज जो भी आपने पढ़ा, जेडीके, जेआरई, जेवीएम का डिफरेंस, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके. सो अगले लेक्चर में आप 8:30 आ जाइएगा, 8:35 के आसपास मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास. एंड हमारा सबसे पहला डिस्कशन अगले लेक्चर में जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को लेकर होगा. स्लाइड्स आपको आज ही मेल हो जाएंगी, नो हार्म इन दैट. स्लाइड्स हम आपको मेल कर देंगे, बस डिस्कशन इस प्रोग्राम का और इसके एक एक स्टेप का मैं आपसे कल के लेक्चर में करने वाला हूं. क्लियर? जितना मैंने पढ़ाया है उतने की स्लाइड्स मैं आपको आज मेल करूंगा, मतलब यहां तक की. बाकी की स्लाइड्स फिर मैं आपको कल जब डिस्कस करेंगे तब कल मेल कर दूंगा, राइट, क्योंकि उस बाकी की स्लाइड में कुछ क्विजेस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वह आप रियल टाइम पे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? वीडियो ठीक आया है आज आप लोगों के पास? टीएम स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क, नीरज. टीएम स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क. कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसका पेटेंट करती है. या रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग तो आपको हमेशा मेल होगी. स्लाइड्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेल करता जाऊंगा. जैसे आज हमने स्लाइड कवरअप की है अपटिल 29, तो 29 स्लाइड्स आपको आज के लेक्चर की मेल हो जाएंगी. क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. सो विल मीट टुमारो शार्प एट 8:30. ओके, गुड नाइट.